दोस्तों मैं समीर राज, आप लोगों का स्वागत है ग्लोबल होम वेंडर्स के एक शानदार से 2 बीएचके में। फ्रंट साइड का 2 बीएचके, 60 गज का 2 बीएचके, लिफ्ट गाड़ी पार्किंग के साथ एक 2 बीएचके, और क्या बताऊं मैं आपको, ऑन रोड प्रॉपर्टी 2 बीएचके, नवादा मेट्रो से नियर बाय 2 बीएचके, मटियाला रोड पे 2 बीएचके, द्वारका के पास वाला 2 बीएचके। तो ये सारे हैशटैग 2 बीएचके आप लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूँ। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ अपने हॉल एरिया के अंदर, जहां आपको बता देता हूँ उसका छोटा सा एक मैप। ये आपका एंट्री डोर है, मेन एंट्रेंस डोर है ये आपका, जहां आपको एक सामने लॉबी मिल जाती है, इस तरफ से स्टेयर्स मिल जाते हैं, और पीछे की तरफ इसके 1 बीएचके बने हुए हैं। तो 200 गज की ये साइट है। और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि सामने की तरफ, फ्रंट की तरफ आपको सारे 2 बीएचके मिलते हैं, बैक साइड पर आपको सारे 1 बीएचके मिलते हैं। और हाँ, बहुत जल्दी मैं इसका 1 बीएचके भी आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल इसका मैप बता देता हूँ कि मेरे लेफ्ट में एक रूम है जो बालकनी वाला रूम है, और मेरे राइट में एक रूम है जो कि आपका बैक साइड का रूम है, और एक आपका ओपन किचन एरिया आ जाता है, प्लस एक कॉमन वॉशरूम एरिया आपको यहां पर मिल जाता है। तो फटाफट से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में जो कि मेरे राइट में है। तो दोस्तों यहां जब मैं एंटर करता हूं ना, तो सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट लगता है मुझे ये वाली वॉल। ऐसी वॉल हमने काफी बार बनाई है, लेकिन आप देखिए हर बार जो वॉल होती थी ना, वो यहां से ऐसा प्लेन चलता था और ऊपर तक पूरा प्लेन ही होता था। लेकिन इस बार हमने कुछ इनोवेशन लेके आए हैं, और हमेशा की तरह जैसे हम बोलते हैं कि कमेंट्स में आप लोगों के व्यूज आते हैं, आप लोग हमें व्हाट्सएप करते हैं, आप लोग हमसे जानकारी लेते हैं, तो आप हमें बताते हैं कि एग्जैक्टली कैसा आपके घर में डिजाइन, कैसा इंटीरियर आप चाहते हैं। तो उन्हीं सब चीजों से, ये सब आप ही लोगों के आइडियाज हैं जो आपने हमारे साथ शेयर किए हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे सारे व्यूअर्स को, जो मेरे ऑथेंटिक व्यूअर्स हैं, जो ग्लोबल होम वेंडर्स को फॉलो करते हैं, उन सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं। और हाँ, डेफिनेटली आप लोगों के लिए ही हम लोग ऐसे घर लेके आ पाते हैं, जहां हम लोग हर रूम के अंदर कोशिश करते हैं कि वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। जैसे कि यहां पर हमने एक स्प्लिट एसी की फिटिंग आपको प्रोवाइड कर दी है, तो इंटरनल पूरी फिटिंग यहां पर हो रखी है। एक नाइट लैम्प हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि देखिए घर के अंदर जब आप अपने रूम में बैठे होते हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, या रूम में कोई भी एंजॉय कर रहे हैं, साथ में खाना पीना कर रहे हैं आप रूम में अंदर बैठ के, तो यहाँ पर उस तरह का एनवायरमेंट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक एलईडी टीवी पैनल भी आप लोगों को दे दिया है, जहां आप आराम से अपने बेड पे बैठ के मूवीज एंजॉय कर सकते हैं, मैच एंजॉय कर सकते हैं, और भी काफी सारी चीजें जैसे आप अपने रूम को इनोवेशनली चाहते हैं उस तरह से सजा सकते हैं। एक किंग साइज, बिग साइज वार्डरोब यहां पर आपको मिल जाता है, काफी बड़ा, काफी इनोवेटिव वार्डरोब है, जहां पर हम आपको देखिए खूबसूरत हैंडल्स के साथ हम आपको यहां पर ड्रॉर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए साइज में ये वार्डरोब काफी काफी हाइट दे दी हमने इसको, वॉल टू वॉल की पूरी हाइट है। तो अगर मैं बात करूं फ्लोर टू वॉल की, तो इस अलमीरा की हाइट से आप इस रूम की हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 फुट की इसकी हाइट होने वाली है। तो काफी अच्छा और काफी बेहतरीन। बात करते हुए हॉल में, एक छोटा सा इनोवेशन आपको दिखा देता हूं कि हॉल में एक साइड पर हमने ये कॉर्नर जो डिजाइन किया है ना, बात करूं अगर, तो ये कॉर्नर डिजाइंड है स्पेसिफिकली आपके डाइनिंग स्पेस के लिए, क्योंकि ऐसा कॉर्नर हम तभी डिजाइन करते हैं जब कोई स्पेसिफिक काम के लिए, या तो आप इसे डाइनिंग बना सकते हैं, या फिर ये जो कॉर्नर है ये मंदिर के लिए काफी शुभ माना जाता है, तो आप उस कॉर्नर पर अपना मंदिर भी बनवा सकते हैं। हॉल के अंदर भी एक एलईडी टीवी पैनल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक एलईडी टीवी पैनल आपको बेडरूम में मिल जाता है, और एक आपको हॉल में। बात करूंगा इसकी फॉल सीलिंग की, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी फॉल सीलिंग पे हमने कुछ अलग डिजाइन क्रिएट करे हैं। बताना चाहूंगा कि हमारे एक व्यूअर हैं और वो हमारे क्लाइंट भी हैं बेसिकली, तो उन्होंने हमें ये डिजाइन सजेस्ट किए थे, जिसके बेसिस पर हमने इस तरह का कुछ डिजाइनिंग अपने न्यू फ्लैट्स में करने की कोशिश की है। हॉल एरिया में भी एक स्प्लिट एसी की फिटिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वॉल पर, आप अपना एसी कहीं भी हैंग कर सकते हैं। बात करूंगा अपने किचन की, देखिए हमेशा हमारा एक सिग्नेचर तो आपको दिख ही जाता है, तो एक वन ऑफ द सिग्नेचर फ्रॉम ग्लोबल होम वेंडर इज आपका किचन में एक शैंडलियर। किचन में सिर्फ और सिर्फ इस बार शैंडलियर नहीं है, किचन में अगर आप गौर करेंगे तो हमने इस बार किचन में भी फॉल सीलिंग कर दी है, 2 कॉब लाइट्स हमने किचन में भी लगा दी हैं आप लोगों के लिए। किचन में रोशनी की कहीं से कोई कमी नहीं होने वाली है। कुछ इस तरह से आपके कैबिनेट्स जो हैं वो आपके डिजाइन ऑलरेडी कैबिनेट जो हैं शेल्फ में डिजाइन कटे हुए मिलेंगे आप लोगों को। यहां आपका कुकिंग एरिया आ जाता है, जहां आपकी चिमनी हमेशा की तरह, जैसा मैं बताता हूँ, वर्किंग कंडीशन में आपकी चिमनी ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। सैंपल फ्लैट है, तो सैंपल में हर एक चीज टिप टू टॉप प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए आरओ का सेक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पर कट कर दिया है आप लोगों के लिए। आरओ का टैप अलग लगेगा आपका यहाँ पर, किसी भी टैप से आपको अलग कनेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, आरओ का टैप अलग लगा हुआ मिलेगा आपको। सिंक एरिया आ जाता है आपका,
बाहर निकलते हैं, यहाँ पर आप अपना फ्रिज का स्पेस आपको मिलता है, यहाँ आप अपना फ्रिज लगा सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ हमने आपको 16 एम्पीयर का पावर सॉकेट ऑलरेडी दे दिया है। इसमें दो ही चीजें हैं, एक आपका फ्रिज और एक एसी। आपके हॉल एरिया से अटैच और एक कॉमन वॉशरूम एरिया आपको यहां मिल जाता है, जहां आपको सिंक, कंसील फ्लश टैंक के साथ एक इंग्लिश सीट प्लस मॉड्यूलर टैप फिटिंग्स, सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। सेकंड बेडरूम में एंटर करते हैं, पहले देखिए कितनी खूबसूरत फॉल सीलिंग हमने यहां पर बनाई है आप लोगों के लिए। अगेन कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बेहतरीन आप लोगों के लिए हर बार हर वीडियो में लेके आते हैं। और हाँ, इसका प्राइस भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्राइस के लिए थोड़ा सा स्टे ट्यून कीजिए, मैं इसका प्राइस बताऊंगा आपको। कि ये इतना खूबसूरत सा एक, देखिए यहां पर भी एक वार्डरोब आपको मिल रहा है, यहां से आगे बढ़ूंगा कॉर्नर पे भी आपको एक वार्डरोब मिल रहा है, प्लस नीचे आप अगर देखेंगे तो दोनों तरफ आपको ड्रॉअर सेक्शंस मिल जाते हैं, नीचे की तरफ दोनों तरफ। सेंटर में आपका बेड लगता है, ऊपर बेड लैंप दे दिया है हमने आपको, फैन आपको एज इट इज लगा हुआ मिल रहा है यहाँ पर। तो अब चलते हैं अपने बालकनी की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ आपको 2 BHK का एक और बाथरूम आपको यहाँ पर मिल जाता है। देखिए दो बाथरूम आपको मिलते हैं, एक आपका कॉमन वॉशरूम है और एक आपके मास्टर बेडरूम के साथ है, क्योंकि यहाँ आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है, बाथरूम आपको यहाँ पर मिल जाता है, प्लस आपको वार्डरोब भी मिल जाता है। तो बाथरूम भी काफ़ी अच्छा हमने डिज़ाइन किया हुआ है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर लगी हुई मिल रही है, सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो अब चलते हैं अपनी बालकनी की तरफ, बात करूंगा इसके बालकनी की। तो देखिए दोस्तों, बालकनी की अगर मैं बात करता हूँ तो बालकनी में आप देखिए सामने काफ़ी अच्छा चौड़ा रोड आपको मिलता है, ऑन रोड प्रॉपर्टी है दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है गली के अंदर। इवन यहाँ पर तो आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिल ही रही है, तो पार्किंग में आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, रोड पर आपको गाड़ी खड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, और उसकी बाकी की जो डिटेल्स है वो आपको कमलदीप जी बताएंगे, वो हमारा हॉल में वेट कर रहे हैं। तो इसका जो प्राइस है दोस्तों, मैं आपके लिए रिवील कर देता हूँ, इसका प्राइस है मात्र 30 लाख रुपये। 30 लाख रुपये इसका प्राइस है, जो हमारा इसका फिक्स प्राइस है। और हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये प्राइस एकदम फिक्स प्राइस है, लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, कोई अप्रॉक्स नहीं है, कोई नेट नहीं है, 30 लाख रुपये इसका फिक्स प्राइस है। रिस्क इसके अंदर भी कोई अगर डिस्काउंट या कुछ भी ऐसा होता है जो हम आपके लिए कर सकते हैं, डेफिनेटली वो चीज़ें जब आप कमलदीप जी से बात करेंगे तभी हो पाएंगी। तो फटाफट से चलते हैं, अब बाकी की जानकारी ले लेते हैं कमलदीप जी से, क्योंकि वो हॉल में आज हमारा वेट कर रहे हैं, तो पक्का वो कुछ अच्छा ही लेके आए होंगे आप लोगों के लिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कमलदीप जी से। तो कमल भैया, 2 BHK बहुत दिन बाद आप आए हो चैनल पे, तो मेरे को लगता है कि जब आप आते हो तो कुछ अच्छा लेके आते हो, तो अच्छा फ्लैट तो हमने दिखाया है लोगों को, काफी अच्छा वुडन वर्क वगैरह जो करा हुआ है लोगों ने, फॉल सीलिंग भी कुछ अच्छी इनोवेशन करा हुआ है, फॉल सीलिंग के अंदर भी अच्छा डिजाइन निकाला हुआ है, इवन किचन में भी देख रहा हूँ मैं, फॉल सीलिंग दे रखी है। तो कमल भैया कुछ बताइए इस प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि मैंने अभी तक जो बताया है वो है ऑन रोड है, मार्केट है, तो थोड़ी बेसिक डिटेल्स जो है, अब आप लोकेशन की, और मैंने सुना यहाँ पर पार्क भी है पास। हाँ, बिल्कुल, तो बाकी की डिटेल प्लीज आप थोड़े हमारे व्यूअर्स को बताइए। ओके, जैसे आपने समीर ने बताया होगा आपको कि मार्केट के पास है लोकलिटी हमारी, 200 गज की साइड है, ऑन रोड प्रॉपर्टी आ जाती है। सबसे प्लस पॉइंट आ जाता है इसका मेट्रो, कहता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सबसे पहले होती है मेट्रो से कितना डिस्टेंस है, तो मेट्रो से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, 400 से 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस है, वो भी ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा आगे जाना है, और सारे मार्केट के बीच में से आप नॉर्मली वॉकिंग करके आ सकते हो। सेकेंड पार्ट आ जाता है इसका पार्क का, ऑलमोस्ट हमें क्या होता है सोसाइटी के अंदर पार्क नहीं मिलते हमें, और क्लाइंट कहते हैं हमें पार्क फैसिलिटी चाहिए या नियर अबाउट पार्क मिल जाए, तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं। तो 300 से 350 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क भी है आपको, यहाँ से बाहर निकले राइट टर्न करते हैं आपको पार्क मिल जाएगा। थर्ड आ जाता है मार्केट, तो मार्केट के लिए कोई कहीं नहीं जाना आपको, क्योंकि ऑन रोड प्रॉपर्टी है, तो देन पूरी मार्केट ही बनी हुई है आपकी, जाकर बाहर भी देखेंगे तो आपको हॉस्पिटल पूरा ऑन रोड वगैरह सारा मिल जाएगा। चौथा बेनिफिट आ जाता है द्वारका, क्या हमें एयरपोर्ट जाना है तो भाई कहाँ से जाएंगे, तो एयरपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट रास्ता है यहीं से आप टी पॉइंट से राइट टर्न करके सेक्टर 3 द्वारका पहुँचाओगे, लेफ्ट टर्न करते हैं अपना दिल्ली कैंट। और जहाँ तक हमने आज से पहले भी एक प्रॉपर्टी दिखाई थी जहाँ हमारी एक साइड बन भी रही है, हाँ, बिल्कुल आकाश हॉस्पिटल, आकाश हॉस्पिटल बिल्कुल बिल्कुल ठीक, 3 साइड ओपन वाली साइड भी, 100 फुट रोड पे, 100 फुट रोड बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वही रास्ता निकलता है यहाँ से, वही रास्ता निकलता है, सेम रोड है जहाँ से हम सीधा द्वारका सेक्टर 3 पहुंच सकते हैं, तो बिल्कुल द्वारका की कनेक्टिविटी होगी, पार्क हो गया, तो कुछ नहीं करना, मार्केट अब स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं जो कि कमल भैया का नंबर है, बिल्कुल, तो आप उनसे जरूर बात कीजिए। और दूसरा, ग्लोबल होम वेंडर का गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करना है, फॉर्म भर दीजिए ताकि हमें आपकी रिक्वायरमेंट पता चल सके कि आप कितने लाख तक का फ्लैट और कितने जो भी बजट है, लो बजट भी ऐसा नहीं होता कि हर किसी क्लाइंट का एक सा बजट होता है, किसी का लो होता है, किसी का हाई भी होता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि हो सकता है मेरे पास आपके मतलब का फ्लैट हो, आपके सपने का घर मेरे पास हो, पर इसलिए आपको मुझसे बात करना बहुत जरूरी है, तो मुझसे आप संपर्क कीजिए, जो भी रिक्वायरमेंट है पूरी कोशिश करेंगे उसे पूरी करने में।
ठीक है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, सारी चीजें उन्होंने बता दी है, डिटेल्स आपको पता ही है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर हफ्ते लेटेस्ट प्रॉपर्टी के अपडेट्स मिल सके, क्योंकि ग्लोबल होम वेंडर्स लाता है आपके सपनों के घर को आप तक।